एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है आपको, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, उसका स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। इन जनरल अगर आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि सपोज फर्स्ट दिया है 32, अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप करोगे 32 × 32। यह आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 × 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। यह आ गया 4 6 + 6 = 12, 9 + 1 = 10। यानी कि 32 का स्क्वायर का आंसर होता है 1024। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह का मल्टीप्लीकेशन करके आंसर नहीं लाना है। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 2ab को आप इन दोनों के बीच में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। अब देखो यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है। ये जो 32 लिखा हुआ है, इस 32 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, 30 + 2। 30 इसको राउंड फिगर बना के उसके साथ 2 को ऐड कर लिए तो ये 30 + 2 32 होता है। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर, यानी कि 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे और 30 + 2 का स्क्वायर होगा ऐसा 32 का स्क्वायर। अब 30 जो है वो ए का वैल्यू हो गया और 2 हो गया बी का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं ए का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है इंटू 2ab का मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी। ए का वैल्यू है 30 इंटू बी का वैल्यू है 2। लेफ्ट साइड आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूला ये है, आपको इसका कैलकुलेशन करना है। ये हो गया। अब देखो 30 का स्क्वायर आपको करना है तो यहां पर जब भी राउंड फिगर नंबर होगा तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा इसका स्क्वायर करना। 30 का स्क्वायर में आपको सिर्फ 3 का स्क्वायर करना है, ये हो गया 3 3 ज़ा 9। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9। 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर जब भी करेंगे तो 00 आ जाएगा। प्लस देखो 00 कैसे आ रहा है, अगर आप 30 × 30 करोगे तो यहां पर 2 बार 0 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट आंसर में आपके पास 2 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया 900। 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 00। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 हो गया 4। प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 30 हो गया 60, 60 × 2 हो गया 120 इज इक्वल्स टू। अब अपन ऐड करके देखते हैं, 900 + 120 ये हो गया 1020 + 4 1024, जो कि मल्टीप्लाई करने से भी आंसर मिल रहा था। तो जब भी आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं निकालना है, ये फॉर्मूला लिख के इस फॉर्मूला में पुट करके आपका आंसर निकालना है। ठीक है, इसको रब करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 35, 35 का स्क्वायर निकालना है, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा 30 + 5। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 35 का स्क्वायर यानी कि 30 + 5 का स्क्वायर। फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का वैल्यू है यहां पर 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब होता है 2 × a × b। तो यहां लिखेंगे 2 × a का वैल्यू 30 × b का वैल्यू हो गया 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले क्वेश्चन में भी देखें 30 × 30 900 होता है, कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 × 3 9 हो गया और 0 का स्क्वायर यानी कि 00 प्लस 5 5 = 25, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 प्लस यहां करेंगे देखो 2 5 = 10, 2 × 5 = 10 हो गया, 10 × 30 = 300। ठीक है, अब अगर ऐड करेंगे तो 900 + 300 हो गया 1200 + 25 1225। तो जब भी आप 35 का स्क्वायर निकालोगे यानी कि 35 × 35 करोगे तो आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं, यहीं पर मैं थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता हूं। जो फर्स्ट का थर्ड प्रॉब्लम दिया है
86 का हम लोग को स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब 86 को अपन लिख सकते हैं 80 प्लस 6, और स्क्वायर निकालना है तो अगर यहां स्क्वायर है तो 80 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, ए का वैल्यू हो गया 80 यानी कि 80 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू हो गया 6 यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू 80 इंटू बी का वैल्यू 6। मल्टीप्लाई करते हैं 80 का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर में आप सिर्फ अगर 8 का स्क्वायर निकाल लोगे तो आंसर आ जाता है, 8 का स्क्वायर होता है 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 होता है 64। एक बार जीरो है तो यहां पर डबल जीरो आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर यानी कि डबल जीरो, प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36, प्लस अब यहां पर इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू 80 होता है 160, 160 इंटू 6 अगर हाँ ओके 160 इंटू 6 ये हो गया 6 0 0, 6 6 36, 6 1 6 प्लस 3 9, ये आ गया 960। अब इसको ऐड करना है तो 6 4 00 प्लस 960 प्लस 36, ये आ गया 6 6 प्लस 3 9, 9 4 13 और ये 7, 7 3 9 6, ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, पहले तो उसको आपको ब्रेक करना है, उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है, और उसके बाद इस तरीके से एडिशन करके आपको आंसर लाना है। इसको मैं रब करता हूं, कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको भी देखते हैं। फर्स्ट का जो फोर्थ प्रॉब्लम दिया है, फोर्थ में दिया हुआ है 93, 93 का स्क्वायर निकालना है, तो 93 को अपन लिख सकते हैं 90 प्लस 3, 93 का स्क्वायर यानी कि 90 प्लस 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला हम पुट करेंगे, फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ए का वैल्यू यहां पर 90 है तो ये हो गया 90 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 90 इंटू बी का वैल्यू 3 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ 90 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर निकालते हैं, 9 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 9 होता है 81, और एक 0 का स्क्वायर यानी कि डबल जीरो आएगा यहाँ, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 3 9, प्लस इसको इंटू करते हैं 9, अच्छा ये देखो 2 3 6, 6 9 54, ठीक है, या फिर ऐसा भी कर लो 2 9 18, 18 इंटू 3 अगर आप निकालोगे 180, टू 19 इंटू 2 180 इंटू 3 कर लेंगे 300, 38 24, 3 1 3 प्लस 2 5, 540। अब आप इसको ऐड कर लो 8 1 00 प्लस 540 प्लस 9, ये आ गया 9 4 6 और ये 8 8 6 4 9 इसका आंसर होगा। ठीक, यहीं पर मैं इसको रब करता हूं और यहां पर अपन फिफ्थ प्रॉब्लम भी इसका देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है 71, तो 71 का स्क्वायर कितना होगा अपन देखते हैं। 71 को अपन लिख सकते हैं 70 प्लस 1, स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। पुट करते हैं, ए का वैल्यू है 70, 70 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 2AB यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया 2 इंटू 70 इंटू 1, ए का वैल्यू 70 बी का वैल्यू 1। 70 का स्क्वायर निकालने के लिए आप सिर्फ 7 का स्क्वायर कर लो, 7 इंटू 7 होता है 49, जीरो है तो यहां डबल जीरो आ जाएगा क्योंकि सिंगल जीरो का स्क्वायर डबल जीरो होता है, प्लस 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस 7 2 14 और ये जीरो तो ये हो गया 140, 70 इंटू 2 140 और इंटू 1 तो वही आएगा। अब आप ऐड कर लो 4900 प्लस 140
ये आ गया 1, 4, 9 plus 1, 10, 5, 0, 4, 1, ठीक है। यानी कि अगर आप 71 का स्क्वायर करोगे, 71 into 71, तो आंसर आएगा 5041। इसको मैं रब करता हूं, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी देखते हैं। फर्स्ट का सिक्स्थ क्वेश्चन, नंबर दिया हुआ है 46। 46 का स्क्वायर निकालना है, तो 46 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 40 + 6 का स्क्वायर। पुट करते हैं, फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। a का वैल्यू है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए का वैल्यू 40 इंटू बी का वैल्यू 6। 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 करने की जरूरत नहीं है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 = 16 होता है, और 0 का स्क्वायर यानी कि 00 प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 = 36 प्लस, इसको अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया 40 × 2 = 80 और 80 × 6 ये हो गया 0, 6, 4, 8, 6, 48, 480। ऐड करते हैं 1600 + 480 + 36, ये आ गया 6, 8, 3, 11, 7, 4, 11 और ये 2, 2, 1, 1, 6, ठीक। इस तरीके से आपको जब भी स्क्वायर निकालने के लिए बोलेगा तो आपको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं निकालना है, आपको इस फॉर्मूला में पुट करके स्क्वायर उसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।